राजा के ऊपर शनि की ढैया। उत्तर पूर्व काशी में एक राजा था जो बहुत वीर पराक्रमी था। सारे ग्रह देवता उसके पराक्रम से डरते थे। कोई भी उसके ऊपर आक्रमण करने की भी नहीं सोच सकता था। धन और शौहरत से उसे अंधा कर दिया था। मित्र राजाओं के साथ शिकार करता था। एक बार उसने एक खरगोश और एक हिरण का शिकार किया। यह देखकर शनिदेव बहुत क्रोधित हुए और उस पर ढैया का शाप दे दिया। इससे सब राजा ने मिलकर आक्रमण कर दिया। शनि के श्राप से पीड़ित होकर वह राजपाट खोकर और राजाओं के डर से दोनों पुत्रों सहित रानी के साथ ले भाग गया। शनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह शनि के धर्म चक्र में पड़ गए थे, इसलिए चारों प्राणी एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा तो एक जगह बर्तन साफ करने लगा, रानी एक महल में सेविका का काम करने लगी और दोनों पुत्र जहाज में माल ढोने का काम करने लगी। लेकिन शनि के क्रोध के कारण वह एक दूसरे को पहचान ना पाए और 3 साल तक यही काम करते रहे। संजोग वंश राजा भी जहाज चलाने का काम करते रहे और रानी भी वही जहाज में बर्तन साफ करने का काम करती रही। 6 महीने तक यह कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहा। राजा रानी बच्चे भूखे मरते, जो कुछ उनको मिलता था उसे ही खा के गुजारा करते थे। फटे पुराने कपड़े पहनते थे, लेकिन उन्हें इतना याद था कि हम एक राजकुमार हैं, हमारे पिता एक राजा थे और आक्रमण में हार कर हम जंगल में भाग आए थे, लेकिन पिता का क्या नाम था वह भूल गए थे। राज्य का नाम उन्हें पता था, लेकिन उनसे क्या फायदा था। शस्त्रहीन और राज्यहीन वह क्या कर सकते थे। शत्रु चारों तरफ फैले हुए थे। वह पकड़े जाते ही शत्रु उनके हाथ में आ जाते और शत्रु उन्हें मार देता। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे और एक ने कहा कि मैं एक राजा का लड़का हूँ, मेरे पिता पर एक राजा ने आक्रमण कर दिया और हम भागकर इस राज्य में आ गए और अब मेरे माता पिता कहाँ हैं मैं नहीं जानता। यह सुनकर दूसरे लड़के ने कहा कि मैं भी राजपुत्र हूँ और कहा मेरी भी यही कहानी है। वह दोनों पहचान गए थे कि हम दोनों कौन हैं। एक दूसरे से कहा कि मैं ही तेरा भाई हूँ। यह कहकर दोनों गले मिलकर रोने लगे। रानी ने यह बातें सुन ली। उसने दोनों से कहा कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। यही सारी घटना राजा ने भी सुन ली। उसने कहा तुम दोनों मेरे पुत्र हो और यह तुम्हारी माँ। चारों प्राणी एक दूसरे को पहचानने लगे। इतनी देर में उनकी ढैया समाप्त हो गई और रानी जो शनि भक्त थी वह शनि की पूजा करती रही। शनि की भक्ति से शनि देव खुश हो गए। उन्होंने सपने में दर्शन देकर कहा अब तुम्हारी ढैया समाप्त हो गई है। मैं तुम्हारे पशु हिंसा अधर्म से नाराज था, क्रोधित था, लेकिन रानी की भक्ति से खुश हो गए। अब तुम्हारी ढैया समाप्त हो गई है, पशु हिंसा का पाप समाप्त हो गया। अब तुम ऐसे करो, सारी सेना जो बिछड़ गई थी, सारा धन जो तुमने कमाया है उसको एकत्र करके शत्रु राजा पर आक्रमण कर दो। तुम्हारा राज्य मिल जाएगा और तुम दोबारा राजा बन जाओगे। यह सुनकर राजा ने क्षमा मांगी, फिर कभी ना शिकार करने के लिए कहा और राजा ने दोनों पुत्रों के साथ मिलकर सारा धन एकत्र करके शत्रु राजा पर आक्रमण कर दिया। रानी के पिता ने भी राजा का साथ दिया। अचानक आक्रमण करने से शत्रु राजा भाग गया। राजा को अपना राज्य वापस मिल गया। राजा ने शनि मंदिर बनवाया, पशुओं के लिए गौशाला बनवाई, शनि मंदिर में भंडारे का आयोजन किया, पूरे राज्य में भंडारा लगाया, शनिदेव की पूजा का आयोजन किया, जहाँ नित्य गरीब आदमी को भोजन मिलता था। इस काम से शनिदेव खुश हो गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।